आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये नोट्स कैसे नोट है, ये पूरे वन पेज नोट्स है। अब ये नोट्स चाहिए तो बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने इतनी मेहनत करके सारी चीज आपके लिए मैंने अवेलेबल करवाई है। तो आपको करना क्या, आपको करना कुछ, जब कभी हम किसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान हमें ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें सिलेबस के साथ क्या अलाइन करने पड़ते हैं, जिसके वजह से हमारी प्रिपरेशन और साथ ही साथ हमारा जो स्कोर होता है वो हमें बूस्ट होता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं एलिमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाला, जिसका नाम है रिविजन। आज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिविजन हर कोई करता है, रिविजन की क्या इंपॉर्टेंस है सभी को मालूम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस रिविजन को करना किस तरीके से चाहिए, कितने बार हमें रिविजन करना चाहिए, कितने पर्टिकुलर इंटरवल में करना चाहिए, इन चीजों के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती है, जिसके वजह से उनकी जो प्रिपरेशन में कई सारी मेहनत करने के बाद भी जब उनका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं होता जितना एक्सपेक्टेड होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के एंड तक रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में या फिर आखिर में मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऐसी क्या क्या चीजें जो हमें रिविजन के दौरान क्या फॉलो करनी चाहिए और ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हम हमारे प्रिपरेशन के दौरान क्या कर बैठते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सिक्वेंस रिविजन एक सबसे बड़ी गलती निकल के आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन के लिए ट्वेल्थ कॉमर्स की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यह होता है कि जिस तरीके से वो चैप्टर पढ़ता है कि पहले हमें पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरा हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर तीसरा हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर ऐसे सीक्वेंस में ही वो क्या करता है, अपना रिविजन करना भी शुरू करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, यही एक सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि ये सबसे बड़ी गलती है, अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखी होगी, अगर आपने मेरे ओसी की वीडियो, एसपी की वीडियो देखी होगी, तो आपको ये चीज एक समझ में आ गई होगी कि हमारे एग्जामिनेशन में हर एक जो चैप्टर होता है वो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। समझ में आया, हर एक चैप्टर का जो वेटेज होता है वो बहुत अलग अलग होता है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाहूंगा कि आप फॉर एग्जांपल आपके ओसीएम में 8 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स है आपके, 8 चैप्टर्स है। अब इन 8 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो हर एक जो चैप्टर होगा आपका इक्वली प्रिपेयर्ड नहीं होगा। इसमें से कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे और आपने उसकी उसका वो पूरा कंप्लीट कर दिया होगा। इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से आपने चीजें कंप्लीट तो की है लेकिन कुछ एक आधा क्वेश्चन के आपके बाकी रह गए, जिसको मैं मॉडरेट कहूंगा। और तीसरे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आपने पढ़ा तो है लेकिन आप चीजें भूलते जा रहे हो, ठीक है। आपको चीजें याद नहीं रहती जब आप दूसरी बार क्या पढ़ते हो या फिर आंसर लिखते हो। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर्स को इसी बेसिस पे क्या डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज आपके एक कैटेगरी होनी चाहिए जहां पे सबसे जो हार्ड चैप्टर इन द सेंस मतलब क्या होता है, एक ऐसे चैप्टर जिसको आप याद तो कर रहे हो लेकिन आप कुछ देर बाद उस चीजों को भूल जाते हो। फिर दूसरा आता है मॉडरेट, मतलब ऐसे चैप्टर्स जो आपके प्रिपेयर तो हो चुके लेकिन अगर मैं बात करूं एक आधा दो आधा क्वेश्चंस रह चुके। और तीसरा जो आता है, मैं इजी वाला बात करूंगा तो इजी आपके ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसकी प्रिपरेशन आपकी पूरी हो गई, जिसको आप थोड़ा टाइम भी देते हो तो आपको चीजें आसानी से आप क्या रिवाइज कर लेते हो, चीजें कंप्लीट कर लेते हो। अब जब कभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करने के दौरान आपको सिक्वेंस आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ऐसे चैप्टर्स करनी चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा क्या लग रहे हैं कि आप उसे भूलते जा रहे हो, जल्दी याद नहीं होते, सबसे पहले रिविजन उसका करना है। फिर दूसरा कौन सा, दूसरा इन चैप्टर्स मॉडरेट वाले चैप्टर्स का करना, और फिर तीसरा जो करना है वो इजी वाले चैप्टर्स का आपको रिविजन करना चाहिए। अब इनमें भी अगर मैं बात करूं तो हार्ड चैप्टर्स में से भी हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन जो होगा, जो हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको हार्ड लगता होगा या फिर हर एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आप क्या भूलते जाते होगे। तो इस चीज में आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेकर जो क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा भूल रहे हो उसको डबल टिक कर दो, ठीक है, या फिर ट्रिपल टिक कर दो। जो आप थोड़ी बहुत याद रहती है लेकिन थोड़ा बहुत आप भूल जाते हो उसको डबल टिक कर दो, और जो आपको इजिली लर्न होता है उसको क्या कर दो, एक टिक मार दो। तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो रिवाइज करते टाइम सबसे पहली चीज ये वाला क्या क्वेश्चन करना है, फिर ये वाले क्वेश्चन करने, फिर ये वाले क्वेश्चन करने, जिसकी वजह से आपकी जो रिविजन होगी वो सिस्टमैटिक होगी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अब आते हैं ओनली थियरी। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे प्रिपरेशन में, जर्नी में, जो क्या करते हैं, जो जनरली ज्यादातर फोकस किस पे करते हैं, अभी जैसे मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स जनरली किस पे फोकस करते हैं, वो ज्यादातर अपने क्वेश्चंस पे ही फोकस करते हैं और वो जो थियोरी वाला पार्ट होता है वो थियोरी वाले पार्ट को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज फॉलो करो, ये पद्धति अगर फॉलो करो तो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट्स में देखोगे जो 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स का आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन
यानी थियोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप क्या करोगे, आप इक्वली इस पे भी ध्यान दोगे। सेम चीज इकोनॉमिक्स से अगर मैं बात करूंगा, इकोनॉमिक्स में दोस्त हमारे क्या करते हैं जनरली, वो क्या करेंगे, वो आपके थियोरी क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल इन द सेंस अगर मैं बात करूं आपके जो इंडेक्स नंबर वाला पार्ट है, उसको बहुत ज्यादा लैक करते हैं, ठीक है, उसको इतना प्रिपेयर नहीं करते, जो ग्राफ वाली चीजें होती है उस पर इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी एग्जाम में उनके जो मार्क्स होते हैं वो कट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीजें पैरेलली लेनी चाहिए, जहां न्यूमेरिकल भी इतना इंपॉर्टेंस रखता है तो वहां पे थ्योरी भी उतना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझेगी। आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए बुक कीपिंग का, वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है वो आता है रिविजन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये बहुत बड़ी गलती करते हो, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, हम यूट्यूब पे टीचर्स के लेक्चर्स फॉलो करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां पे ये चीज गलती कर बैठते हैं कि हम उन सभी के नोट्स लेते हैं और हर एक नोट में से हम पढ़ना चालू करते हैं। नहीं भाई, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक नोट फॉलो करना है, चाहे वो आपके स्कूल टीचर की हो, चाहे वो किसी यूट्यूब पे किसी पर्टिकुलर टीचर की हो, या फिर अगर मैं बात करूं आपकी कोचिंग क्लासेस की हो, तो आपको क्या करना है, आपका एक खुद का नोट्स ले लेना है और उस नोट्स का आपको क्या करना है, अब आपको जो है उसको बार बार उसी को पढ़ना है। अगर लग रहा है कि उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसी नोट में फिर वो पॉइंट ऐड कर दो, जिसकी वजह से आपकी जो चीजों की वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। और आप जब एक ही चीजों को बहुत बार देखते हो तो उसकी एक पूरी इमेज जो होती है वो आपके दिमाग में क्रिएट हो जाती है। जब आप पेपर लिखोगे तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें क्या आ जाएंगी, आपको आपके दिमाग के सामने ऑलरेडी आएंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था, ये पर्टिकुलर लाइन में ये वाला टर्म लिखा, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सरप्राइज दे देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ कि अब नोट्स की बारी आती है। नोट्स शायद आपको स्कूल में मिले होंगे, नहीं मिलेंगे वो चीजों का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आज यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये नोट्स कैसे नोट्स है, ये पूरे वन पेज नोट्स है। आप देखोगे कि आपका पहला चैप्टर पूरा एक पेज में खत्म है, फिर दूसरा चैप्टर यूटिलिटी वाला जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक एक पेज में पूरा मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। फिर डिमांड एनालिसिस का भी कुछ इसी तरीके से, ये पूरे जो नोट्स है ये पूरे नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन इस चीज को मैं आपको बता दूं कि अब ये नोट चाहिए तो बट ऑब्वियसली बात है, मैंने इतनी मेहनत करके सारी चीज आपके लिए मैंने अवेलेबल करवाई है, तो आपको करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है, 200 कमेंट्स का टारगेट है वो पूरा करना है, वीडियो को शेयर करना है, 300 का मैं लाइक दे रहा हूँ वीडियो पे। अगर ये आपने पूरा कर दिया, जिस दिन आप पूरा कर दो, अगर वीडियो जाने के आधे घंटे बाद पूरा कर दे रहे हो, एक घंटे बाद पूरा कर दे रहे हो, मैं आपको तुरंत ये जो नोट्स है वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। हमारा जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल, प्रदीपगिरी अकेडमी नहीं, वो इंजीनियरिंग का आपका एप्लीकेशन है, आपके लिए प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल वाला एप्लीकेशन, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप और डिमांड करोगे कि ओसीएम के भी नोट्स चाहिए तो मैं ओसीएम के भी नोट्स आपके लिए लेकर आऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास सारी चीजें रेडी है, मैं आपके लिए रेडी है भी है और कुछ नहीं भी है, तो मैं भी प्रिपेयर करके लेकर आऊंगा, और भी कई सारी चीजें जो मैं प्लान कर रहा हूं आपके लिए लेकर आऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये आप जिस दिन भी जिस टाइम पे भी आप ये नोट्स जो टारगेट है वो पूरा कर दोगे मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे ये चीज हो गई, तो एक सोर्स मैंने दिया कितने टाइम हमें रिवीजन करना चाहिए। देखो कितने टाइम रिवीजन करना चाहिए ये मैं अगर बात करूं तो आपको कम से कम क्या करना चाहिए, आपको 3 बार किसी भी टॉपिक का रिवीजन तो करना चाहिए, ठीक है। और मैं 3 बार रिवीजन करना चाहिए कम से कम, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका कम से कम 3 बार रिवीजन करना चाहिए, 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना चाहिए। उल्टा अगर आप ज्यादा रिवीजन करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हाउ टू डू रिवीजन, अब रिवीजन करना कैसे, अब जनरली बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आपको वीकेंड पे रिवीजन करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको वीकेंड पे रिवीजन करना चाहिए, ठीक है करते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए। जब कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने टाइम को, जैसे आप 1 आवर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 1 आवर की आपकी स्टडी है, ठीक है, 1 आवर की स्टडी, तो इस 1 आवर को आप क्या करो, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, 15 मिनट्स में और 45 मिनट्स में क्या स्प्लिट कर दो। अब ये जो स्टार्टिंग का 50 मिनट्स होना चाहिए, 50 मिनट्स में आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था, इस पिछले दिन में जो भी चीज आपने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लो, और जो 45 मिनट्स होनी चाहिए, 45 मिनट्स में आपको कुछ नई चीजें क्या पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से आपका स्प्लिट होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए आपका जो स्टडी आवर। साथ ही साथ रिविजन करने का एक सही तरीका यह होता है कि लोग कई बार ये करते हैं कि वो जो प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान वो सबसे पहली चीज रिविजन करते हैं, जब तो रिविजन के दौरान वो क्या करते हैं, नोट्स खोल के बैठ जाएंगे और उसको पढ़ना चालू करते हैं। लेकिन नहीं, ये सबसे गलत तरीका होता है। आप क्या करो, आप सबसे पहली चीज जो नोट्स है, नोट्स खोलने से पहले आपने जो भी चीज आपको याद है उसको एक बुक लो, उस बुक पे क्या लिखना चालू करो एक समरी के फॉर्म में।
जब आप वो लिख देते हो, लिखने के बाद अब आप क्या करो, अपने नोट्स खोलो, नोट्स खोल के इस चीज को चेक करो कि कौन सी चीज आपने लिखी है, कितनी सही है, कितनी गलत है, कौन सी चीज आपकी छूट गई। अब उन चीजों को आप क्या करो, वापस से पढ़ना चालू करो। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जब अगली बार आप रिविजन करने जाओगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने पिछले बार भी ये गलतियां की थी, मैंने ये मिस्टेक की थी, तो वो दिमाग में हमारे और भी ज्यादा बैठी रहेंगी और वो चीजों को हम कभी जल्दी भूलेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो ये एक सही मानक है आपकी प्रिपरेशन करने का। फिर आपका डू रिविजन रेगुलरली, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी, आई होप आपको क्लियर हो गया। और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। तो मिलेगा हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।